गणों जिनको आप प्रतिनिधि के नाते चुनकर देंगे वो भी ऐसा ही धार्मिक आचरण करेंगे। तो संपूर्ण सृष्टि तक एक आत्मीयता के भाव से अपने स्वार्थ को मर्यादित रखकर सबके हित के लिए जीवन जीने वाला भारत विश्व का मार्गदर्शन करेगा। और इसलिए स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आज इस गणराज्य दिवस पर हमको ये संकल्प करना है कि हमारा आचरण ऐसा धर्मयुक्त आचरण होगा जिसके आधार पर आज के प्रजातंत्रों को भी पथ प्रदर्शक बने। ऐसे प्रजातंत्र हमारे यहां जिनके नाम वैशाली, लिच्छवी, मालवी आदि अनेक प्राचीन गणराज्य कैसे चलते थे इसके उदाहरण आज भी सारे दुनिया में दिए जाते हैं भारत के गणराज्यों के। संपूर्ण भारत वैसा एक गणराज्य बनाने का अपना स्वप्न अपने उस आचरण से ही साकार होने वाला है। और इसलिए इस आचरण का संकल्प आज के दिन हमको लेना चाहिए, ऐसा विचार मन में आता है। आपके चिंतन के लिए मैंने आपके सामने रखा है।